लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ए उस्ताद, तू बोरी का पहला गिरा का क्या? आओ सेट आओ, आओ, आओ। ये अपन का पांच तारा होटल। ये क्या होटल है? मैं तुझे बोला फाइव स्टार ले चलो। कहाँ ले आया तुम? बिल्कुल सही जगह पे आया हुजूर, बिल्कुल सही जगह पे। वेलकम। आपका कसूर नहीं है, आपने शायद यहाँ का बोर्ड नहीं पढ़ा। सिर्फ भाषा का ही तो फर्क है। पांच तारे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फाइव स्टार। फाइव स्टार होटल। हाँ, फाइव स्टार होटल में ऐसी क्या चीज है जो यहाँ नहीं है? एयर कंडीशन कहाँ है? ठंडी हवा। हाँ ठंडी हवा। अरे हुजूर, यहाँ उसका भी बंदोबस्त है। कभी ओपन एयर एयर कंडीशन देखा है आपने? नहीं। देखोगे भी नहीं, अभी बंदोबस्त कर देता हूँ। ठंडी हवाएं लहरा के आए। ठंडी लग रही है। बोलो उस्ताद। हाँ बाबू। वाह वाह। इसका कितना? सिर्फ 5 रुपए। कैसे लग रहा है? अच्छा। आइए आइए, तशरीफ रखिए, बैठिए। टूटी, इसका कितना? 10। बस पहला गिरा है ना। हाँ। कंसेशन। आइए सर। ये तो ठीक है, यहाँ नहाने धोने का बंदोबस्त है। क्या बोलते हो, अपने पास ऐसा अफलातून बंदोबस्त है क्या? आप सिर्फ एक बार नहाओ, हफ्ते भर की फुर्सत। खींचो पीछो। स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल। डुबकी मारो, कोई चार्ज नहीं। कोई चार्ज नहीं? बदक के साथ। बदक के साथ? हाँ, और कहीं भी जाना हो, ऑटो टैक्सी सीटी मारते ही हाजिर। और रानी भी 5 नंबर खंबे वाली। कौन है बतू? लो सुनो, अपने को नहीं पहचानता? हाँ, अरे बहुत फेमस है हम इस एरिया में, रानी के नाम से। क्या ए, बहुत अच्छा किया तूने, ये घटिया का धंधा शुरू कर दिया। क्या धंधा है, एकदम फर्स्ट क्लास। अब तेरा मेरा पार्टनरशिप एकदम चकाचक। अरे तेरे इस धंधे में अपने को पार्टनरशिप वार्टनरशिप नहीं मांगता, चपोटे ऐसे। क्यों रे इतना भाव खाता है रे चिकने? चल। क्या बोली रे? एक उल्टा हाथ का लाफा मारूंगा, चल रस्ता फटे। तेरी तो। अरे जाना यार, काय को फोकट में भेजा खा रहे लिए बोनी के टेपे। अरे बोनी तो अपना भी नहीं हुआ अभी तक। अबे ओ देरशानी, तेरा धंधा फूल के उस तरफ, समझी ना? बोलो। जाती हूँ। 4 खटिया क्या डाली जगह को? ताजमहल। सुना? ताजमहल, ताजमहल 5 तारा होटल, ताज से भी ज्यादा बढ़िया है, समझा ना? ये महिला सेवानी केतन आप जैसी बेसहारा औरतों की मदद के लिए बनाया गया है, और अगर आप यहाँ के तौर तरीके अपनाएंगी तो हमेशा खुश रहेंगी। मैडम, डॉन साहब का फोन है। बाकी सब कुछ ये आपको समझा देंगी। बहनों, हमारा मकसद आप लोगों की सेवा करना है। हेलो बानू, तुम तो जानती हो हाँ, तुम्हारी याद तब आती है हमें जब लड़कियों की जरूरत होती है। डॉन साहब, अगर आपकी खिदमत नहीं करूंगी तो मैं आपकी पार्टनर किस काम की? तो बानू, लड़की फौरन भेज दो। कम इन। जी हाँ जरूर, फौरन पहुंच जाएगी लड़की। ओके बाय। जी आदाब। आप? जी मैं रजिया हूँ। मेरे शौहर करीम खान जो डॉन साहब की फैक्ट्री में काम करते थे जेल में है, उनकी तनख्वाह लेने के लिए मैंने डॉन साहब की ऑफिस के बहुत चक्कर काटे, लेकिन कोई नहीं सुनता। सुना है ये सेवा निकेतन भी डॉन साहब का है, जहाँ सबकी मदद होती है। आप ही मेरी मदद कीजिए ना, मेरे शौहर की तनख्वाह दिला दीजिए। जरूर जरूर, डॉन साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, और आप जैसी बेसहारा औरतों की मदद करना तो उनका धर्म है। इस वक्त वो घर पे है, आप फौरन उनके घर चली जाइए।
मैं अभी उन्हें फोन कर देती हूँ, वो आपकी सारी जरूरतें पूरी कर देंगे। कम इन। सलाम साहब। दो घंटा पहले बानू को फोन किया था, अभी आया तुम? नहीं नहीं साहब, मैं तो करीम खान की बीवी हूँ। करीम खान की बीवी? जी साहब, मेरे शौहर आपके एक्सीडेंट का इल्जाम अपने सर पर लेके जेल गए और आपने उनके 6 महीने की तनख्वाह तक नहीं भेजी। छह महीने का तो क्या, 6 साल का तक का एक साथ तुमको देगा मेरी जान। हाथ मत, कमीने। आगे मत बढ़ना साहब। मेरी मदद कीजिए, वो उस हरामजादे डॉन ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की, देखिए मेरे बच्चे का क्या हाल बना दिया। ड्राइवर। यस सर। इन्हें फौरन अस्पताल ले जाओ, तुम दोनों मेरे साथ चलो। डोंट मूव, हैंड्स अप। योर ऑनर, एक औरत की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे बदन बेचने पर मजबूर करना समाज पर ही नहीं कानून के नाम पर भी दाग है, इसलिए मुलजिम डॉन के साथ साथ मिस बानो को भी कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो डॉन को लड़कियां सप्लाई करती हैं। ये सरासर झूठा इल्जाम है योर ऑनर। मैं तो एक सोशल वर्कर हूँ, अपनी गरीब बहनों को बुराइयों से बचाती हूँ, उन्हें गुनाहों के रास्ते पर चलाती नहीं। योर ऑनर, अगर आपका इंसाफ ये कहता है कि गरीबों की मदद करना, भूले भटकों को सही राह दिखाना, मुसीबत की मारी बहनों को उनका हक दिलाना अगर जुर्म है, तो मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। भेज दीजिए मुझे जेल। तमाम गवाहों के बयानात सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिमा बानू के खिलाफ लगाया हुआ इल्जाम साबित नहीं होता, इसलिए अदालत मिस बानू को बाइज्जत बरी करती है और मुलजिम डॉन के मुकदमे की अगली पेशी इस महीने की 21 तारीख को मुकर्रर की जाती है। तब तक मुलजिम डॉन को पुलिस की हिरासत में रखा जाए। The court is adjourned. एक मिनट, ये काले कपड़े पहनकर दूसरों पर कीचड़ उछालने का लाइसेंस नहीं मिल जाता, समझी? मेरे काले कपड़ों से ज्यादा काले तुम्हारे करतूत हैं। मेरे शौहर इंस्पेक्टर अनवर हैं। एक न एक दिन मैं तुम्हें अंदर करवा के रहूंगी। कहीं ऐसा ना हो मुझे अंदर करवाने की कोशिश में तुम्हें घर से बाहर निकलना पड़े। देखिए घर का मामला है, घर में तय कर जी। सलमा सुनो। हाँ? डॉक्टर चंद्रशेखर का फोन आया है। क्या हुआ? हमारे इकबाल की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है, हमें फौरन बुलाया है। चलिए चलो। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना? इसे हुआ क्या डॉक्टर साहब? सिक सैनस सिंड्रोम। आपके बच्चे का दिल बहुत कमजोर है। वैसे आम इंसान के दिल को 1 मिनट में 70 बार धड़कना चाहिए, लेकिन आपके बेटे के हार्ट बीट 40 से भी कम है। इसका दुनिया में सिर्फ एक ही इलाज है, पेसमेकर। पेसमेकर? ये क्या होता है डॉक्टर? ऐसी एक छोटी सी मशीन ऑपरेशन करके पसलियों के नीचे बिठाई जाती है, जो दिल को करंट पहुंचाती रहती है और जिसकी वजह से दिल की धड़कन नॉर्मल हो जाती है। अगर ऐसी मशीन न बिठाई गई तो आपका बेटा ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकता। ये मिलेगी कहां से? आसानी से नहीं मिलेगी, क्योंकि बाहर मुल्कों से आती है, बहुत कीमती है। आप कुछ भी कीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। बहुत मन्नतों और मुरादों के बाद मेरी गोद भरी है, उसे उजड़ने मत दीजिए। डॉक्टर साहब, मैं हर एक कीमत देने के लिए तैयार हूँ। अनवर साहब, अगर पेसमेकर कहीं मिल सकता है तो एक ही जगह है, लॉयल केमिस्ट।
भाई साहब सुनिए प्लीज। इंस्पेक्टर साहब कहिए क्या बात है। मुझे मुझे अपने बेटे के लिए पेसमेकर चाहिए। पेसमेकर? जी। मिल सकता है? मिल जाएगा। लेकिन पेसमेकर जिस जगह है उसकी चाबी डॉन के पास है, और डॉन जिस जगह है उसकी चाबी आपके पास है। मेरी बात समझ गए ना आप? ये नहीं हो सकता। सोच लीजिए, आपको अपने बेटे की जान चाहिए और हमें हमारा डॉन चाहिए। सोच क्या रहे हो इंस्पेक्टर? मैं तो कभी ना कभी जेल से छूट जाऊंगा, लेकिन एक बार तुम्हारे बेटे की जान चली गई तो वापस नहीं आएगी। चाबी दे दो। एक ही तो बेटा है तुम्हारा। मुबारक अनवर साहब, आपके बेटे की जान बच गई। डॉक्टर साहब, अब मेरे बेटे की जान पर कोई खतरा तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। जिसके दिल की धड़कन के साथ अल्लाह का नाम हो उसे क्या खतरा हो सकता है? मैं समझा नहीं। जो पेसमेकर हमने आपके बेटे के सीने में लगाया है उसका नंबर 786 है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरे सरताज, मैं आपकी तनख्वाह लेने के लिए डॉन के घर गई थी, मगर उस दरिंदे ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की, जिसकी वजह से हमारा बेटा जख्मी हो गया। मैं वहां से भाग तो आई, मगर वो लोग मेरी जान के दुश्मन बन गए। फकत आपकी रजिया। लॉन्ग लिव डॉन जूनियर। चीयर्स। मेरे बेटे के लंदन जाने का इंतजाम हो गया? यस सर, आज शाम की फ्लाइट से आपका बेटा अपनी माँ के पास लंदन जा रहा है। गुड। डॉन साहब, आपको जेल से निकालकर अनवर ने गुनाह की तरफ पहला कदम उठाया है। क्यों ना उसे पूरी तरह गुनाह के साए में ले लिया जाए, हमारे बहुत काम आएगा। लेकिन उसे अपने साथ मिलाओगे कैसे? वो कल की पार्टी में अनवर को बुलाया है। देखना मैं उसे अपनी जुल्फों में कैसे कैद करती हूँ। गुड। चीयर्स। एक जाम अनवर साहब के बेटे की नए जिंदगी के नाम। चीयर्स। चीयर्स। अरे शरबत छोड़िए जनाब, शराब पीजिए। शुक्रिया, मैं शराब नहीं पीता। अनवर साहब, आपके बेटे की जान बचने की खुशी में सारी महफिल शराब पी रही है, और आप हैं कि शराब को हाथ लगाने को राजी नहीं। जब यहाँ तक आ ही गए हैं अनवर साहब, तो एक कदम और सही। देखिए, पीने से इनकार मत कीजिएगा, आपको अपने बेटे की कसम। हुजूर, मर्दों वाली चीज पीजिए। चीयर्स। वेटर। आदाब।
आप इन्हें तो जानते हैं, है ना? ये है मिस बानो, शहर की सबसे बड़ी सोशल वर्कर, बेसहारा लड़कियों के लिए रहमत का फरिश्ता है। आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं खेरा साहब। मैंने आपकी बहादुरी के इतने किस्से सुने अनवर साहब, कि आपसे मिलने को जी चाहा। आपके बेटे के जान बचने की खबर सुनी तो मैंने जश्न मना लिया अपने घर में, ताकि इस बहाने आपसे मुलाकात कर सकूं। शुक्रिया। एक्सक्यूज मी खेरा साहब, अनवर साहब मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है, प्लीज आप मेरे साथ आइए। चलिए, एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। आइए आइए अनवर साहब, बात तो बहुत छोटी है लेकिन नीचे इतनी भीड़ है कि सबके सामने बताना मुनासिब नहीं समझा। वर्सोवा में यतीम लड़कियों को सिलाई सिखाने का हमारा स्कूल है, तशरीफ रखिए ना, और वहाँ के गुंडे उन्हें बहुत परेशान करते हैं। मुझे लगता है कि वहाँ की पुलिस भी उनसे मिली हुई है। मैं जानती हूँ कि वो एरिया आपका नहीं है, फिर भी आप एक फोन कर देंगे तो काफी है। बेचारी बेसहारा लड़कियाँ आपको दुआएं देंगी। ये तो बहुत मामूली काम है, मैं भी फोन किया देता हूँ। फोन कहाँ? वहाँ। अच्छा, I'm sorry, नंबर नहीं लग रहा है। बैठिए ना, पहले ये नोश फरमाइए, फोन इत्मीनान से कीजिएगा, लीजिए ना। ओह, कितनी गर्मी लग रही है, ये कम्बल तेज़ी तो आज ही बंद होना था। I'm sorry, अनवर साहब। क्या हुआ? कुछ चक्कर सा आ रहा है। आपने पहली बार पी है ना, इसीलिए शायद ऐसा महसूस हो रहा है। थोड़ी देर लेट जाइए, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज। ये सब क्या? कैसे कहूं, कल रात आपने नशे में मैंने मैं नशे में था, मगर आप तो होश में थी, अपनी इज्जत बचा ली होती। अगर मैं अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करती तो मैं फिर में आपकी इज्जत चली जाती, और उसके बाद आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते, नहीं रहते। ठीक है मैडम, आपका फोन। एक्सक्यूज मी। हेलो, आपके शौहर कहाँ हैं सलमा जी? वो कोई सरकारी काम से बाहर गए हुए हैं। आजकल आपके शौहर सरकारी काम और गैर सरकारी काम कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। क्या मतलब, कौन बोल रहे हैं आप? आपका एक हमदर्द, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो आप खुद होटल गार्डन पैलेस जाकर देख लीजिएगा, वहां आपके शौहर मिस बानो के साथ, आप समझ गई ना? बानो, छोड़ दीजिए मुझे, मर जाने दीजिए। नहीं बानो, नहीं, नहीं। तो फिर मैं क्या करूं? आपकी औलाद को कोई हरामी कहे, ये भी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हारे बच्चे को मैं अपना नाम दूंगा। अनवर, अनवर, अनवर। तुम मेरा पीछा कर रही हो? पीछा इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं आपकी बीवी हूं, मुझे पूरा हक है जानने का कि आप इस जलील औरत के साथ क्या कर रहे हैं। खबरदार, अगर इसे जलील कहा तो मैं इससे शादी कर रहा हूं। शादी? अगर तुम्हें मेरे घर में रहना है तो बानो के साथ रहना होगा। एक छत और चार दीवारी को घर नहीं कहा जाता, घर तो उसे कहा जाता है
जहां मियां बीवी एक दूसरे के भरोसे जिंदगी काटा करते हैं, बानू जैसी औरतों के साथ बाटा नहीं करते। आपका घर आपको मुबारक हो अनवर साहब, मैं अपने इकबाल के साथ कहीं भी रह लूंगी। तुम इकबाल को नहीं ले जा सकती, वो मेरे पास रहेगा। आप मेरा बेटा भी मुझसे छीन लेना चाहते हैं? ठीक है, इकबाल किसके पास रहेगा इसका फैसला अदालत करेगी। बच्चे के माँ बाप का बयान सुनने के बाद अदालत ये फैसला करती है कि बच्चे को उसकी माँ सलमा अनवर के हवाले किया जाए और बाप की तरफ से 150 रुपए महीना बच्चे को खर्च के लिए दिया जाए। खेरा, इतनी मजबूती से बांधो कि लगना ये चाहिए कि अगर मैं खुली होती तो अपनी जान दे देती, लेकिन इस बच्चे पर कोई आंच नहीं आने देती। इस कपड़े से मेरा मुंह बांध दो और सलमा के बेटे इकबाल को खत्म कर दो। होगा जी, इकबाल का एक्सीडेंट हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? एक्सीडेंट शंभू? जरूर होएगा साहब, उस कमीने इंस्पेक्टर अनवर की वजह से इस शंभू ने 2 साल जेल में काटा है साहब। हमें अफसोस है बहन जी, हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। या अल्लाह, मेरा बच्चा। बीच रास्ते में कौन छोड़ गया? बच्चे को गाड़ी से उड़ा दो। रजिया, करीम खान की बीवी, इस औरत को बच्चे के साथ उड़ा दो ताकि डॉन का केस हमेशा के लिए खत्म हो जाए। वापिस घुमा के कब्रिस्तान ले लो, मुझे उस बच्चे की लाश चाहिए। ये तो मर गई, इसका बच्चा तो जिंदा है। फौरन हॉस्पिटल ले चलते हैं। जोगेश्वर पुलिस स्टेशन। मैं इंस्पेक्टर अनवर बोल रहा हूँ। कोई मेरे बेटे इकबाल को उठा कर ले गया है। क्या? पुलिया नोट करो। सफेद लाल टी शर्ट, सफेद लाल टी शर्ट, बड़ी बड़ी मूछें, बड़ी बड़ी मूछें, चेहरे पर जख्मों के निशान, चेहरे पर जख्मों के निशान, और नाम को शंभू बता रहा था। नाम है शंभू। एक मिनट सर। सर, जिस आदमी का आप हुलिया बता रहे हैं, अभी अभी उस आदमी की हमें लाश मिली है और साथ में बच्चे की भी। क्या हुआ इकबाल को? इकबाल और उसे ले जाने वाले दोनों की लाशें मिली हैं। नहीं!
माफ करना बहन जी, मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी, आप ही बीच में आ गई, आपको ज्यादा मार तो नहीं लगी? सलमा, 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 तुम ठीक हो ना? मेरी आंखों का नूर मुझसे छूट गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। करीम खान, आज तुम्हें रिहा किया जा रहा है, उम्मीद है यहां से जाने के बाद तुम कोई और जुर्म नहीं करोगे। करीम खान, तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर, तुम्हारी बीवी रजिया एक्सीडेंट में मारी गई। हा? और ये तुम्हारा बच्चा बच गया। ये एक्सीडेंट हुआ नहीं बाखुदा, ये एक्सीडेंट करवाया गया है। जेल का दरवाजा खुला रखना जेलर साहब, खुदा कसम हम बहुत जल्दी वापस आएगा। सुअर की औलाद, मेरा बेटा बड़ा होकर तुम्हें जान से मार देगा। परवरदिगारे आलम, अपना घर होते हुए मैं बेघर हो गई, मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा, तूने आंखों की रोशनी लेकर जिंदगी के हर दिन को रात बना दिया, मैंने तुझसे कोई शिकायत नहीं की, आज तूने मेरी गोद भी सूनी कर दी। मेरे मौला, दुआ के लिए उठे हुए खाली हाथ की लाज रखना, मेरे बच्चे को लौटा दे, मेरे बच्चे को लौटा दे मेरे मालिक। इसे रख लो, मैं अंदर देख के आता हूं। इस बच्चे का सांस रुक गया, मेरे बच्चा। परवरदिगार, जान बचाने के लिए इस पाक जगह में छुपने की इतनी बड़ी सजा मत दे मेरे मालिक, मत दे मेरे मालिक। खुदाया, इस बच्चे की मां ने इस बच्चे के लिए जितनी मन्नतें मांगी, इस बच्चे की मां ने इस बच्चे के लिए जितने रोजे रखे, अरे उतनी तो सांसें भी इस बच्चे ने नहीं ली मेरे मालिक। और तूने तूने इसकी सांसें छीन ली। भाई साहब, भाई साहब, जिसने इसकी सांसें रोकी हैं
वो ही इसकी सांसें लौटा सकता है। उसके वली के चौखट पे रख दो और मांगो उसी से भाई साहब।
मेरे मालिक। मेरे मालिक। करीम खान, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। इंस्पेक्टर, करीम खान को गिरफ्तारी का फिक्र नहीं है, फिक्र है तो सिर्फ इस बच्चे का, इस मासूम का क्या होगा? ये एक माँ के पास रहेगा भाई साहब। मैं अंधी जरूर सही, मगर इसे अपनी आंखों का नूर समझकर अपने पास रखूंगी। शायद खुदा ने मेरी सूनी गोद भरने के लिए इसकी सांसें लौटाई। इसे मुझे दे दीजिए भाई साहब। बहन, तेरा लाख लाख शुक्र। ये बच्चा करीम खान का अमानत है तेरे पास बहन, लेकिन एक वादा करना, इस बच्चे को सिर्फ हमारा नाम बताना और कुछ नहीं। मालिक ने जिंदगी बख्शा, हम वापस आएगा, अपना दास्तान इस बच्चे को खुद सुनाएगा। खुदा हाफिज। चलो इंस्पेक्टर। भाई साहब, इस बच्चे का नाम क्या है? नाम जिसको अल्लाह ने रखा हो बहन, उसका नाम और क्या हो सकता है? अल्लाह, अल्लाह। मदीने वाले की रहमत है मुझ पर, माँ की दुआओं का साया से मांगा हुआ मैं अल्लाह रखा, मैं अल्लाह रखा, मैं अल्लाह रखा, मैं अल्लाह रखा। मदीने वाले की रहमत है मुझ पर, माँ की दुआओं का साया है सर पर, कलमा पढ़ कर अल्लाह रखा, मैं अल्लाह रखा, मैं अल्लाह रखा, मैं अल्लाह रखा। गुनहगार तुझ है ये इंसाफ वाले, गुनहगार तुझ है ये इंसाफ वाले, जो बापे गरीबों की डाले जो ताले हो,
मिला, दुनिया कहेगी वहाँ रे वहाँ। मैं अल्लाह रखा, मैं अल्लाह रखा, मैं अल्लाह रखा, मदीने वाले की रहमत है मुझ पर, माँ की दुआ कंडक्ट वेरी गुड, डिवीजन फर्स्ट क्लास, तुम जैसे लड़के को एडमिशन जरूर मिलेगा। थैंक यू सर। लेकिन तुम्हारा परसेंटेज 70% 70% है सर। इसको 100% बनाना पड़ेगा। 100% कैसे? बिल्कुल आसान है, 70% मार्क्स हैं, इसमें 30,000 और मिला दो तो पूरे 100% हो जाएंगे। 30,000? ये तो बहुत बड़ी रकम है साहब, मैं लाऊंगा कहां से? अपने माँ बाप से। बाप नहीं सर, माँ, मेरी अंधी माँ जिसने मुझे पढ़ाया है। अरे उसकी आंखों से 30,000 तो क्या 30 लाख सपने ला सकता हूँ, लेकिन वो सिक्के नहीं ला सकता जो आपके बाजार में चलता है। तो फिर घर जाओ, सपने देखो। सर मेरी बात तो सुनी सर। पांडू सकाराम, फेंक दो बाहर इसको। बाहर मुझे नहीं, तुम्हें जाना चाहिए साहब। जो पढ़ाई के खजाने पर जहरीले सांप बनकर पढ़ने वाले बच्चों के मुस्तकबिल को डसते हो, लानत है तुम पर। जो कॉलेज में डोनेशन के नाम पर रिश्वत लेते हो, लेकिन एक बात याद रखो साहब, जहरीले सांप ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहते। एक ना एक दिन किसी की लाठी उसका सर कुचल कर रख देती है। तुम्हारा भी यही हशर होगा, यही हशर। ले जाओ इसे। तू आ गया बेटे, मुझे पता था तेरे नंबर देकर तुझे तो किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगी। ये ले, मुंह मीठा कर। वो दिन गए अम्मी, जब नंबर देखकर कॉलेज में एडमिशन दी जाती थी, अब तो नोट देखकर दी जाती है। क्या कह रहा है तू? सच कह रहा हूं मां, नहीं चाहिए मुझे ऐसी तालीम जो रिश्वत देकर हासिल की जाए। फिर अब तो क्या करेगा? वही जो अपने बाप दादा किया करते थे। आपका कसूर नहीं है, आपने शायद यहाँ का बोर्ड नहीं पढ़ा, सिर्फ भाषा का ही तो फर्क है। पांच तारे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फाइव स्टार होटल। फाइव स्टार होटल में ऐसी क्या चीज है जो यहाँ नहीं है? एयर कंडीशन कहाँ है? ठंडी हवा। हाँ ठंडी हवा, अरे हुजूर यहाँ उसका भी बंदोबस्त है। कभी ओपन एयर एयर कंडीशन देखा है आपने? नहीं। देखोगे भी नहीं, अभी बंदोबस्त कर देता हूँ। ठंडी हवा है, लहरा गया है, ठंडी लग रही है। बोलो उस्ताद। हाँ बाबू। वाह वाह। इसका कितना? सिर्फ 5 रुपए। कैसे लग रहा है? अच्छा। आइए आइए, तशरीफ रखिए, बैठिए। टूटी, इसका कितना? 10। बस पहला गिरा है ना। हाँ। कंसेशन। आइए सर, आइए। ये तो ठीक है, यहाँ नहाने धोने का बंदोबस्त है। क्या बोलते हो, अपने पास ऐसा अफलातून बंदोबस्त है क्या? आप सिर्फ एक बार नहाओ, हफ्ते भर की फुर्सत।
पूल, स्विमिंग पूल, डुबकी मारो, कोई चार्ज नहीं। कोई चार्ज नहीं? बदक के साथ। बदक के साथ? हाँ, और कहीं भी जाना हो, ऑटो टैक्सी सीटी मारते हाजिर। और रानी भी पांच नंबर खंबे वाली। कौन है बतू? लो सुनो, अपने को नहीं पहचानता? हाँ, अरे बहुत फेमस है हम इस एरिया में, रानी के नाम से। क्या ए, बहुत अच्छा किया तूने, ये घटिया का धंधा शुरू कर दिया। क्या धंधा है, एकदम फर्स्ट क्लास। अब तेरा मेरा पार्टनरशिप एकदम चकाचक। अरे तेरे इस धंधे में अपने को पार्टनरशिप वार्टनरशिप नहीं मांगता, चपड़े ऐसे। क्यों रे इतना भाव खाता है रे चिकने? चल ए, क्या बोली रे? एक उल्टा हाथ का लाफा मारूंगा, चल रस्ता फटे ऐसे। अरे तेरी तो, अरे जाना यार, काय को फोकट में भेजा खा रहे लिए बोनी के टेपे। अरे बोनी तो अपना भी नहीं हुआ अभी तक। अबे ओ देरशानी, तेरा धंधा फूल के उस तरफ, समझी ना? बोलो। जाती हूँ। चार खटिया क्या डाली जगह को ताजमहल। सुना, ताजमहल, ताजमहल पांच तारा होटल, ताज से भी ज्यादा बढ़िया है, समझा ना? साला सारा मूड खराब कर दिया। अरे अपनी भी कोई इज्जत है। ये उस्ताद छोकरी के पास गाड़ी आके रुकी। ए, चलती है क्या? चलो। ए, कितने? तीन। एक। अरे 50 रुपए की पत्ती भी तो दे रहे हैं रानी। कैसा है रे बीड़ू? चल फुट धंधा करने दे। ए राजेश खन्ना, आना रे। चल। एक से एक खड़ूस मिल रहे हैं। ए चिकनी, अरे 50 के बदले में 100 लेना रानी। अरे धंधे पे इतना भाव क्यों करी है? नहीं बोला ना। देख आगे मत बढ़ना। अबे चलती कैसे नहीं है? उस्ताद मामला बहुत गड़बड़ है। लड़की गड़बड़ मियां तो मामला गड़बड़ होगा ही। बिस्मिल्लाह। बहुत मुझे समझदार कोई आगे बढ़ा। चले उस्ताद, उस्ताद अपने मोहल्ले में से कोई छोकरी को जबरदस्ती लेके जावे, अपनी इज्जत का सवाल है यार। मैंने कहा ना मैं एक के साथ आऊंगी। चल यार जल्दी कर। एक के साथ नहीं। अब इस पार्सल को बस्ती के बाहर पार्सल कर दे। लो बादशाह। और दे से। सुन। क्या है? आज तक जितने भी लोग मिले सब ने कपड़े उतारे, तू पहला आदमी है जो कपड़े पहना रहा है। जाजा मस्का मत लगा। अरे मस्का क्या, अपना तो दिल लग गया है तेरे से। क्या? हाँ, आज तक रानी ने सबको अपना जिस्म दिया, मगर ये कंबख्त दिल किसी को नहीं दिया। आज तुझे दे रही है, ये है तो प्लास्टिक का, मगर तोड़ना मत, खून निकल आएगा। काश तेरे जैसा कोई मर्द उस वक्त मिल जाता जब अपने से ये धंधा जबरदस्ती करवाया गया था, तो आज ये पल्लू पैरों में नहीं सर पर होता। भाई! हाँ,
अरे यार जफर, ये क्या कर रहे हो? वही जो करना चाहिए था। ये चेन किसने ली है? तुमने दिया और किसने? हाँ, मैंने नहीं, ये चेन अल्लाह रखा ने ली है। किसने तुम्हारा ये हाल किया है? अल्लाह रखा ने। हवलदार, अल्लाह रखा को उठा के लाओ। क्यों बे, बहुत बड़ा दादा है तू। मैंने कुछ नहीं किया साहब। मुझसे जबान लड़ाता है? अबे ये तेरी बस्ती नहीं। ए रानी, ए हाथ हटा। किधर जाती है तू? चल छोड़ साहिब। ओहो, फिर पकड़ी गई। हवलदार डाल दे अंदर। अच्छा हवलदार तुम जाओ। साहिब आज मैं अंदर नहीं बाहर निकालने आई हूँ। किसको? साहिब अपना जो वो अपना अल्लाह रखा है ना, उससे निकालने आई हूँ। उस गुंडे को? साहिब वो गुंडा नहीं है, अपने लिए तो वो फरिश्ता है। फरिश्ता? गुंडे तो वो तीन थे, हराम के साले, जिनसे अल्लाह रखा ने मुझे बचाया था। हाँ मैं समझा नहीं। अब साहिब मैं आपको कैसे समझाऊं? बैठ जाओ। देखो साहिब, आप इंस्पेक्टर नहीं बस कंडक्टर हैं। क्या भक्ति हो? नहीं 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 नहीं, आप हैं नहीं, समझो। हाँ तो अगर एक आदमी आपसे एक टिकट ले तो आप कितनों को चढ़ने देंगे? एक को। हाँ यही तो लफड़ा है ना साहेब, वो मुआ एक के पैसे देकर और तीन तीन। ए चुप चुप। समझ गए ना साहेब, तो फिर उसे छोड़ दीजिए ना। देखिए मैं जमानत के लिए पैसे भी लेकर आई हूँ। पैसे? हाँ साहेब, अपनी मेहनत और पसीने की कमाई है, जमानत दे दो ना साहेब। उसकी जमानत नहीं होगी। अरे क्यों नहीं होगी भाई? ए, अब उन तेरा भाई भाई नहीं है, चल फुट ऐसे, वरना तेरा को भी ठोक के अंदर कर दूंगा। चल बस। हल कट। अल्लाह रखा। अरे कितना मारा है रे इन लोगों ने तुझे। आज तक जितने भी लोग मिले सबने इस रानी को लूटा। तू पहला मर्द है जिसने मुझे बचाया और मेरे लिए मार खाई। अरे कसम से मैं तुझ पे खलास हो रहे। अरे अल्लाह रखा तू फिकर मत कर, मैं कैसे भी करके, अरे छोड़, तेरी रानी कैसे भी करके तुझे छुड़ा लेगी। नहीं नहीं, बीवी बनकर शौहर के जुल्म तो सह लिए मैंने, मगर एक माँ बनकर बेटे पर जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। मैं अदालत से पूछूंगी कि जब कोई जुल्म करता है तो कानून से सजा देता है, लेकिन अगर कानून खुद गुनाह करे तो उसे कौन सजा देगा जज साहब? जब गुनाहगारों को पकड़ने वाले खुद गुनाह करें तो फरियाद किसके सामने की जाए? देखिए इस नौजवान की तरफ, इसका जुर्म सिर्फ इतना है कि इसे एक जुर्म होने से रोका और नतीजे में इसे इतनी बेदर्दी से पीटा गया और गुंडागर्दी का चार लगाया गया है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वकीले सफाई देख तो सकती नहीं, इन्होंने मुलजिम के जख्मों को कैसे देख लिया? मैं अंधी हुई तो क्या हुआ जज साहब, कानून की देवी भी अंधी है, अगर वो सच्चाई को देख सकती है तो क्या एक माँ अपने बेटे के जख्मों को नहीं देख सकती? ये मुकदमा अगले महीने की 27 तारीख तक के लिए मुलतवी किया जाता है, तब तक के लिए इंस्पेक्टर जफर अनवर को सस्पेंड किया जाता है और मुलजिम अल्लाह रखा की जमानत की दरखास्त मंजूर की जाती है। हमारे बेटे सफर को सस्पेंड कर दिया गया और अब कुछ नहीं कर सके। ए उस्ताद, वो तो खंबे के नीचे दूसरी चौक चौक चौकरी। बस्ती को बाजार बना रखा है, चला मेरे साथ। ए छोड़ो मत, छोड़ो मत, छोड़ो मत साले को। ए छोकरे,
Yes. Are you talking to me? Kullu, ये तो इंग्लिश में बोल रही है। अरे बड़ू, ऊंचा गिराक पटाने के लिए अंग्रेजी तो बोलनी ही पड़ती है, लेकिन हैरानी की जात वाली। अच्छा अच्छा। ए छोकरे, ये खंबे के नीचे क्यों खड़ी है तू? मैं यहाँ किसी का इंतजार कर रही हूँ। आपसे मतलब? तेरे को कोई दूसरी जगह नहीं मिली क्या? चल फोड़ यहाँ से। क्यों? ये जगह आपकी है क्या? ए, ये जगह इसकी नहीं, अपनी है। और इस एरिया में धंधा खाली मैं कर सकती हूँ, कोई दूसरी छोकरी नहीं, समझे? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? ले, जबान की बात नहीं समझती, हाथ की भाषा से समझाऊं क्या? ए लड़की, कमी से बात कर। अरे कहां से आ जाते हैं ये लोग? क्या शरीफों जैसे बातें करती है? ए देख, तूने मेरा धंधा खराब किया ना, तो ये तेरा थोपड़ा है ना, इससे भी खराब करके रख दूंगी। हाँ, ओ शट अप साली, तू मुझे गाली देती है, तेरी ये सब बस से मैंने बस से। बीच में मत आ, ये हमारे बिरादरी का मामला है, छोड़। रानी में भूत मैं। अबे नहीं, कौन सी कमाई रे? अरे रे रे, बेचारी को लग गए रे। मैडम मैं बोलता हूँ छोड़ना नहीं इसको। हाँ अरे मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने क्या किया? अरे तेरे को मैडम उठिए। ए लड़की छोड़। ये लोग तो पागल मालूम होते हैं, खामखा मुझसे उलझ पड़े, और तुम टीवी वैन लेकर अभी पहुंचे हो। मैडम वो गाड़ी का टायर शट अप। क्या ना लफड़ा, मैंने तो तेरे को पहले बोला था कि लड़की शरीफ है। अभी मेरे पे गलती तू। सॉरी मैडम, क्या है ना कि आप जैसे बड़े लोग इस छोटी सी बस्ती में जरा कम ही आते हैं, इसलिए पहचानने में जरा भूल हो गई। अरे मेम साहब, अपने को भी माफ कर दो। ए बोल ना। हाँ, माफ कर दो ना। क्या है वो, मैंने सोचा कि आप मेरे पेट पे लात मार रही हैं। मुझे तुम दोनों से कोई मतलब नहीं है, मैं तो रानी नाम की लड़की से मिलने आई थी। खैर, अरे इस बस्ती में एक ही तो रानी है। तुम रानी हो? ओह नो, अरे मैं तो तुम्ही से मिलने आई थी, टीवी पे इंटरव्यू लेना है तुम्हारा। मेरा इंटरव्यू? लगता है भूल अब आप कर रही हैं मेम साहब। रात के अंधेरों में बदन बेचने वालों को टीवी की रोशनियों में दिखाया नहीं जाता मेम साहब। मैं दिखाना चाहती हूँ। बताओ, उस रात तुम्हारी इज्जत लूटने की कोशिश किसने की? इज्जत? अरे इज्जत तो हर रात लूटती है मेम साहब, लेकिन उस रात पहली बार किसी ने मेरी इज्जत बचाई थी, मेरे अल्लाह रखा ने। क्या तुम इस जिंदगी से खुश हो? खुशियां यहां नहीं आती मेम साहब, उन्हें भी हम जैसे बदनसीब औरतों से डर लगता है। तो फिर तुम ये सब छोड़कर शादी क्यों नहीं कर लेती? सुनना चाहती है? रात होती है तो दूल्हा बनी
वही बेवफा मुझको धोखा चालाक दे जाता है। प्रोग्राम लाई हो जूली। थैंक यू सर। इस प्रोग्राम को हम अगले महीने की 27 तारीख को टीवी पर रिले करेंगे। सर, मैं आपके लिए एक और प्रोग्राम करना चाहती हूँ। उस बस्ती में दारू के अड्डे और जुए खाने भी हैं। मैं उन्हें भी एक्सपोज करना चाहती हूँ। आई एम सॉरी जूली, वो बहुत ही खतरनाक बस्ती है। मैं तुम्हें वहाँ जाने की परमिशन नहीं दे सकता। सर आप फिक्र ना करें, मैं वहाँ ऑफिशियल विजिट पर नहीं, अपने रिस्क पर जाऊंगी। पाँच रुपए निकाल। नहीं है, अगले हफ्ते देगा क्या? पैसा नहीं तो तुम्हारा बाप का जगह है क्या? भाग इधर से। धात नहीं लगाने अपन तो राम तेरी गंगा मैली की हीरोइन का आशिक हो गया है। अबे गिरता काय को है बे? चल निकाल निकाल चल। कहाँ भाग रहा था? क्यों बे चिकने? माल कैसा था? फर्स्ट क्लास ना? कल आना। ए बेवड़े, ए बेवड़ा ही बोलने का क्या? सलाम साहब। पिछले हफ्ते, इस हफ्ते और अगले हफ्ते का हफ्ता निकाल। साहब बट्टी पे। अनवर साहब का बेटा। गुड मॉर्निंग सर। क्या बे पास्कल, हफ्ता क्यों नहीं भिजवाया? कैसा हफ्ता साहब, तुम तो सस्पेंड हो गए। अच्छा, तो ये खबर आपको भी मिल गई है? अब सस्पेंड हुआ मोटे, नौकरी से नहीं निकाला गया। चल जेब ढीली कर, माल निकाल। ए,
रेडी हो कैमरा? टिप साले को सुन, वो टीवी खराब हो गया, रिपेयर को देना। वो शारजा के मिस से पहले मिल जाना चाहिए बाबा। दम दम दे तेरी फटी फुल। ओ इंस्पेक्टर, जिंदगी में पहला पुलिस वाला देखा है जो चोरों की तरह आया। पुलिस स्टेशन की मार भूल गया क्या? नीचे सुर नीचे, यह तेरा पुलिस स्टेशन नहीं, यह मेरा बस्ती है। और यहां आने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो मेरा परमिशन और दूसरा पुलिस का वारंट। है तेरे पास? चलो बस अब जा, बैक अप। तो यहां छुपा है? निकल, चल बे, कैसे निकल? इसमें इसके रिश्वत लेने का सबूत है। चुप। कैसे चाहिए? हाँ कैसे, अभी देता हूं। एक मिनट, एक मिनट लीजिए। ओ ओ दैट्स बेटर। हाँ अरे रे, नहीं मिला। ए बहुत हो गया तेरा नाटक, चुपचाप कैसे दे दे वरना। कैसे दिया और आप वहां नहीं सुधरोगे? खटिया थोड़ा गलो, 50 रुपए। बस तरह चलाने से पहले उसकी धार करना सीख। गलो हाँ उस्ताद, हजामत तो हो गए, पहुंचा उन टक्सा लड़ा। ना जाने कहां कहां से आ जाते सारे। थैंक यू अल्लाह रखा। क्या चिकने, ये कैसेट कहां से मिला? कैसेट? वो झुली ना झुली, टीवी वाली। उसी ने मेरे को दिया। कहाँ है वो? यहाँ नहीं है, वो तो चली गई। हाँ गई। चली गई। यही तो लफड़ा है ना, दूरदर्शन की झूली से दिल लगाने का, दर्शन दिए बिना ही चले जाती है। अरे जाती है तो जाने दे, तेरी तो वो रानी है ना। अरे नहीं चिकने, नहीं, अपने दिल की रानी तो बस वो है, वो। ए तू उसके खाब देखते रहे, अब उन तो चलता है। सलाम। अरे कहाँ जा रहे ना ब्रो, बैठना। ए शक, एक मस्का मार के चाय ला बे। हाँ अरे क्या बताऊं, उस टीवी वाली की क्या आंखें थी, क्या आंखें थी, बिल्कुल तेरी तरह। क्या होंठ थे, बिल्कुल तेरी तरह। क्या गाल थे चिकने, क्या गाल थे, बिल्कुल तेरी तरह। और बाल, क्या बाल। तू इस बस्ती में? मैं जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ इस दो टके के आदमी को। जिसे आप दो टके का आदमी कह रहे हैं ना डैडी, आज अगर ये नहीं होता तो आपकी बेटी की इज्जत एक टके की भी नहीं। ओह शट अप, चलो मेरे साथ मस्त खेल रहा। अगर आप इसके बाप नहीं होते ना तो इन खटियों के साथ आपकी भी खटिया खड़ी कर देता। हाँ जा सकते हैं आप। कैसेट में क्या है जूली?
जफर के खिलाफ रिश्वत लेने के सारे सबूत। इसे मुझे दे तो मैं इसे सही हाथों में पहुंचा दूंगा। इसे मैं सही हाथों में तो पहुंचा नहीं डरी। अल्लाह रखा, ये कैसेट रख लो, अदालत में तुम्हारे काम आएगी। तुम जिसकी बात कर रही हो जूली, जानती हो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? क्योंकि उसे तुम्हारे जरिए मेडिकल कॉलेज में सीट चाहिए। डैडी, अल्लाह रखा जैसे लोग किसी की सिफारिश पर नहीं, अपनी मेहनत से तरक्की करते हैं। हाँ, अल्लाह रखा जैसे लोग बाजार में दर्जनों के हिसाब से बिकते हैं। अगर आप अल्लाह रखा को खरीद सके ना डैडी, तो फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। ठीक है, आपने मुझे बुलाया सर। अरे आओ अल्लाह रखा, तुम्हें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए ना? ये रहे एडमिशन के पेपर्स। लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरे दो छोटे से काम करने होंगे। एक तो वो कैसेट मुझे दे दो, और आपकी बेटी से ना मिला करूं, यही ना? काफी समझदार लगते हो बरखुरदार। समझदार तो हूं साहब, लेकिन लेकिन कीमत कुछ कम लग रही है। अल्लाह रखा, इसे रख लो, तुम्हारे बहुत काम आएंगे। अब नीचे जाकर पार्टी में जूली से कहो कि तुम उससे नहीं, उसकी दौलत से मोहब्बत करते हो। खरीद लिया तुम्हारे अल्लाह रखा को मैंने, अब तुम वैसा ही करोगी जैसा मैं चाहूंगा। मैंने जफर को पार्टी में बुलाया है, मैं चाहता हूं कि तुम उससे शादी कर लो। दुनिया के रोकने से नाकाम नहीं होते, दौलत के लिए दो दिल नीलाम नहीं होते। चाहे शोलों में जला दो, चाहे दरिया में बहा दो, चाहे शोलों में जला दो, चाहे दरिया में बहा दो, प्यार मिटा न सकोगे कितना ही जोर लगा। पर्वत से गिरा दो, चाहे सूली पे चढ़ा दो, चाहे पर्वत से गिरा दो, चाहे सूली पे चढ़ा दो, प्यार मिटा न सकोगे कितना ही जोर लगा। We'll be right back.
मिस्टर खेरा, ये रहे 5 लाख रुपए आपका एडवांस, बाकी का 2 करोड़ रुपया धमाका होने के बाद। लेकिन खेरा साहब, ये धमाके होंगे कैसे? सिंपल, बहुत आसान है। इस बॉम्ब को टीवी में लगा दो, टीवी ऑन होने के ठीक 15 सेकंड बाद एक धमाका होगा। ये सब कैसे हुआ, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? जी हाँ, हम लोग होटल में बैठे चाय पी रहे थे और टीवी देख रहे थे कि अचानक टीवी में धमाका हुआ, मैं उसमें घायल हो गया और मेरे साथ ये सब भी घायल हो गए। न जाने इस टीवी बम ब्लास्ट के पीछे किसका हाथ है। अगर वो आदमी हमें मिल गया तो हमसे जान से मार डालेंगे। आपने अभी तक उस कैसेट के बारे में कुछ नहीं किया। एक बात याद रखना अंकल, अगर अल्लाह रखा ने वो कैसेट कल अदालत में पेश किया तो मैं तो फंसूंगा ही, साथ में सबको फंसा दूंगा। कैसी बातें करते हो जफर, फंसे तुम्हारे दुश्मन। एक टीवी बॉम्ब अल्लाह रखा के घर में रख देंगे, ना रहेगा अल्लाह रखा और ना रहेगा कैसेट। रॉबर्ट लगा दो। ये उस्ताद, तूने फिर कोई लफड़ा किया ना? क्या हो बे? ये अनवर साहब तेरे घर पे क्यों आए? अनवर साहब? ओह, कमिश्नर साहब, आप किस जुर्म में गिरफ्तार करने आए आप? हाँ, मैं सलमा से मिलने आया हूँ। हाँ, बीवी कहते हुए ईमान में फर्क आता है। आप अपने बेटे के कैसेट के बारे में बात करने आए? वो आए तो कहना मैं मिलने आया था, फिर कभी आऊंगा। एक मिनट, जब से आप उनसे अलग हुए हैं आज पहली बार मिलने आए हैं। फिलहाल मिला तो नहीं सकता लेकिन दिखा जरूर सकता हूं। आज मेरी अम्मी का प्रोग्राम आने वाला है टीवी पर। टीवी पर? साहब आप टीवी लगाइए, मैं आपके लिए ठंडा ले आता हूं। अरे अरे, तकलीफ की कोई जरूरत नहीं। अरे साहब, जिसे आप अमीरी तकलीफ कहते हैं ना, उसे हम गरीब मेहमान नवाजी समझते हैं। अभी आया सर। नमस्कार, आज हम अपने देखने वालों को एक ऐसी महिला से मिला रहे हैं जिन्होंने अपनी आंखों की रोशनी छिन जाने के बाद भी दूसरों को रास्ता दिखाने का काम नहीं छोड़ा। आइए मिलिए एडवोकेट सलमा अनवर से। आदाब। अनवर साहब, अनवर साहब, या परवरदिगारे आलम, मैं तेरी बारगाह में आकर अपने सुहाग के सलामती की भीख मांगना चाहती हूँ। मदीने मुनवरा की जाली थामकर, रो रो कर, गिड़गिड़ा कर अपने शोहर की जिंदगी की भीख मांगना चाहती हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं तेरे दरबार में हाजिरी दे सकूं। या परवरदिगार, अगर आज मेरा बेटा इकबाल जिंदा होता, अपने बाप की जिंदगी की भीख मांगने के लिए, मुझे हज करवाने के लिए उससे कहते, काश अल्लाह रखा मेरा बेटा होता। गोरिल्ला, तुम्हारा सारा प्लान फेल हो गया खेरा।
इनके साथ अगर वो माँ बेटे दोनों मर जाते तो बहुत अच्छा होता। मुझे अपने विधवा होने का कोई गम नहीं होता। बानू जी, वो गोरिल्ला पहलवान का फोन आया था, वो कह रहा था कि आप। मुझे पता है, आज शाम को उसने मुझे रेसलिंग के मैच पर चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया है। गोरिल्ला हमारे बहुत काम का आदमी है बानो, तुम जरूर जाओ, तब तक इनका ख्याल हम रखेंगे। लो, तीसरा भी गया। तीसरा भी गया। या! या! तीन तो जा चुके, है कोई चौथा मर्द जो इस चट्टान का मुकाबला कर सके? जो कोई भी दो मिनट लड़ने के बाद अपने पैरों पर खड़ा रहेगा उसे 20,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा और हारने वाले को 1,000 रुपए देना पड़ेगा जो इसकी एक वक्त की खुराक है। है कोई माइकल लाल? कोई नहीं। मैं लड़ूंगा। अलरखा, ये क्या कर रहे तुम? ये क्या आदमी बहुत खतरनाक है, तुम्हें जान से मार डालेगा। ये वही आदमी है, खत्म कर दो इसे। मैं तुम्हें एक वक्त का तो क्या, साल भर का खुराक दूंगी। अलरखा, ये क्या जिद लगा रखी है, तुम समझते क्यों नहीं? पहले अपने 1,000 रुपए डिपॉजिट रखो। इसके साथ आप अपने इनाम के पैसे भी रखिए। फ्री स्टाइल कुश्ती है, इसमें कुछ भी हो जाए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, समझे? या अल्लाह, अगर तू चाहता है कि मेरी मां तेरे घर की ज़ियारत कर सके तो मुझे इतनी ताकत दे कि मैं अपने मां के दूध का हक अदा कर सकूं। दो मिनट तो क्या, 2 सेकंड में तुझे अपने पैरों में झुका दूंगा। तू क्या झुकाएगा, अल्लाह रखा झुकेगा तो मोहम्मद के चौकट पर या अपनी मां के कदमों पर। चलो शुरू हो जाओ। तू लड़ेगा? Allah Rakha!
मम्मी जान। बेटे तू खुदा के घर की ज़ियारत करना चाहती थी ना, जा मम्मी, जा और अपने शोहर की सलामती की दुआ मांग। मैं तेरे लिए पैसे लाया हूं मम्मी, ये ले ये ले। इतने सारे रुपये बेटा तू कहीं? नहीं अम्मी नहीं, ये मेरे खून पसीने की कमाई अम्मी। तेरे तेरे बेटे ने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया अम्मी, नहीं नहीं किसी के सामने गिरा अम्मी। बेटा नहीं किसी के सामने। बेटा खून खून बेटा तूने खून मेरे लिए? फिर ना कहना अम्मी कि मैं तेरा बेटा नहीं। नहीं मेरे बच्चे, नहीं मेरे लाल। हज कमेटी तमाम हाजियों का इस्तकबाल करती है जो इस जहाज से रवाना हो रहे हैं, और दुआ करती है कि खुदा पाक सब हाजियों की दिली मुरादें पूरी करे। आमीन।
बानू। अनवर साहब, ये तो इस बेचारी की दिन रात की दुआओं का असर है जो आप बच गए, वरना जिस सलमा की आप बात कर रहे हैं उसके बेटे ने तो आपको जान से मारने की कोशिश की थी। हाँ। गलत डैडी, जान लेने वाले जान बचाने की दुआएं नहीं मांगा करते। ये खुशखबरी सबसे पहले मैं अल्लाह रखा को सुनाऊंगी। हेलो अल्लाह रखा, अल्लाह रखा, अनवर साहब को होश आ गया। माँ की दुआ कबूल हो गई, वरना ये लोग अनवर साहब को मारने के झूठे इल्जाम में मुझे गिरफ्तार कर लेते। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। डैडी, अगर आप एक बार ये बयान दे दें कि वो टीवी बॉम्ब अल्लाह रखा ने आपको मारने के लिए रखा था, तो मैं उसे यूं गिरफ्तार करवा सकता हूं। जफर, मैं यकीन से तो नहीं कह सकता ये टीवी बॉम्ब किसने किसके लिए रखा था, लेकिन डैडी, अल्लाह रखा ने वो बॉम्ब आपको मारने के लिए रखा। एक्सक्यूज मी, मुझे इन्हें चेक करना है। आइए आइए डॉक्टर साहब, आइए। अनवर साहब को यकीन नहीं आ रहा, तुम इसे यकीन बदल डालो जफर। I'm a anthony.
ये आलीशान घर, ये शानो शौकत, क्या तुम मेरी बेटी को दे सकते हो? ये सब कुछ नहीं है मेरे पास जी, लेकिन दिल की दौलत जरूर है मेरे पास। आपकी बेटी को दिल में बसा के रखूंगा। प्लीज, ये चाटा आपने मुझे नहीं मेरी गरीबी को मारा है। निकल जाओ इस घर से। Get out! ये अकेला नहीं, मैं भी इसके साथ जाऊंगी। रुक जाओ जूली, मैं कहता हूं रुक जाओ, रुक जाओ जूली, वरना भूखी मर जाओगी इस कड़ते के साथ। लड़के अमीर कब कड़के की होती है, ये सारी बातें तो फिल्मों में होती है। आंखों की ताबों में कुछ भी ना धक्का है, हमने तो प्यार करना फिल्मों से सीखा है। ए लड़के अमीर कब कड़के की होती है, ये सारी बातें तो फिल्मों में। बातों की ताबों में कुछ भी ना रखा है, हमने तो प्यार करना फिल्मों से सीखा है। कर ले मुझसे प्यार जैसे हीरो हो फिल्मों वाला, कर ले मुझसे प्यार जैसे हीरो हो फिल्मों वाला, ये मर जाला जब ढाके जब रखवाल। हाय हाय हाय, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। ना अमर ना अकबर, ना मैं एंथनी, ना अमर ना अकबर, ना मैं एंथनी। अपना नसीब खुली सा रखवाला अपना अल्लाह, अपना नसीब खुली सा रखवाला अपना अल्लाह, ये मर्ज़ी अल्लाह रखा तेरा रखवाला। क्या बात है सब? तुम्हारा नाम अल्लाह रखा है? हाँ। तुम्हें कमिश्नर को जान से मारने की कोशिश करने और टीवी बम के जरिए सैकड़ों बेगुनाहों की जान लेने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। ये झूठ है साहब, मैंने कोई टीवी बम नहीं बनाया। अच्छा, तो ये सामान घर में क्या खेलने के लिए रखा है? ये सामान मेरा नहीं है साहब। इसका फैसला अदालत करेगी, गिरफ्तार कर लो इसे। एक मिनट सर, आपके पास वारंट है? चलो। अरे साहब बोल रहा हूँ ना, ये सामान मेरा नहीं है, मुझे फंसाया गया है। हम खान साहब के आदमी हैं। हम भी खान साहब के आदमी हैं। आप भी खान साहब के आदमी हैं? जी हाँ। अपने 30 मार खान से कह देना इस जेल में एक और खान आ गया है। इधर का कानून है, पहला निवाला हम खाता है। पहला निवाला उसी का होता है जिसके हाथ में ताकत होती है। हम उस हाथ को तोड़ भी सकता है। बिस्मिल्लाह कहकर उठे हाथ को तुम तोड़ तो क्या मोड़ भी नहीं सकते? एक मिनट खान,
जिंदगी में अल्लाह और माँ के बाद इस रोटी को इज्जत दी है, इसे मैं जमीन पर गिराकर बेइज्जत नहीं होने दूंगा। बोलता है बराबर। शाबाश अबीस, तू पहला मर्द बच्चा है जो इतना देर तक हमारा मुकाबला में खड़ा हुआ। शाबाश, क्या नाम है तेरा? है अल्लाह रखा। क्या कहा? अल्लाह रखा। तू सलमा वकील बहन के? लेकिन आप? अरे हम वो बदनसीब बाप है जो तेरे को 20 साल पहले वकील बहन के हवाले किया था। बाबा जान, बाबा का जान, इससे पहले कि खुशी के मारे हमारा छाती फट जाए, हमारे सीने से लग जा बेटे। बाबा, मेरा बच्चा। बाबा जान, अल्लाह रखा। ओए, लेकिन तू इधर जेल में? बाबा जान, बाबा मुझे टीवी बम बनाने के झूठे इल्जाम में फंसाया गया है। ओए तू फिकर ना कर, कल हमारा रिहाई का दिन है, हम बाहर जाकर तेरे को बाहर निकालने का बंदोबस्त करेगा। मेरे बच्चे, बचपन में तो तेरे को अपनी गोद में बिठा कर खिलाने का हमको मौका ही नहीं मिला रे। आज मेरे बेटे, आज खा ले ना। बच्चे, तो फिक्र नहीं करना, तेरा बाबा जान बहुत जल्दी तुझे यहां से रिहा करवाएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बाबा जान। कौन हो तुम? नहीं पहचाना? मैं उस टाउन का बेटा हूं जिसके बाप को तुमने 20 साल पहले मारा था, याद आया? बच्चे, आंख के बदले आंख और जान के बदले जान, तुम्हारे बाप ने हमारा बीवी का जान लिया, हमने तुम्हारे बाप का जान लिया, हिसाब किताब खत्म। नहीं, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम मेरे बाप के कातिल हो, तुम्हारी मौत मेरे बदले का मुत्तल है, और रसूद वो मैं अल्लाह रखा को मार के वसूल करूंगा। शैतान की औलाद, मत ले
तेरी गंदी जुबान से मेरे अल्लाह रखा का नाम। आज ये तलवार तेरे काम नहीं आएगा। मैं कहता ऐसे फेंक दे, फेंक दे तलवार, फेंक। बच्चे, पठान का लफ्ज और मयान से निकला तलवार कभी वापस नहीं जाता। हमें करीम खान ने भेजा है, जैसे ही बारूद फूटे तुम लॉन्ड्री वैन में बैठ जाओ, यहां से फरार होने का यही रास्ता है। बाबा जान उसकी जान अब इस दुनिया में नहीं आए। क्या हम शक्ल मेरा मेरे आदमी तुम्हें यहां इसलिए लाए कि तुम्हें करीम खान की मौत की खबर सुना दी जाए और इसके पास भी पहुंचा दिया जाए। हरामजादे, बांध दो इसे, तुम्हें जेल में भी खत्म करवाया जा सकता था अल्लाह रखा, लेकिन तुम हमारे खास दुश्मन हो और खास दुश्मन को सजा हम खुद देते हैं, पहले करीम खान, अब तुम, और तुम्हारे बाद वो कुत्ता खेरा जिसने मेरे बाप के माल को अपने बाप का माल समझ रखा है। हमारे काले धंधों से लाखों कमाता है लेकिन हमारा हिस्सा देना भूल जाता है। टीवी बॉम्ब बनाता है, टीवी बॉम्ब बाहर के मुल्कों से करोड़ों रुपया लेकर। तो क्या वो टीवी बॉम्ब जिससे कमिश्नर साहब घायल हुए? हाँ, पर वो तुम्हारे लिए था, मगर वो बेचारा कमिश्नर बीच में आ गया और तुम बच गए ताकि तुम मेरे हाथों मर सको। अब तुम मरोगे और मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं रहेगा। Thank you.
अब पहले तुम, तुम्हारे बाद वो कुत्ता खेरा, बाद में बाकी सब। शायद तेरी मौत ही मेरी बेगुनाही साबित कर सकती है। अल्लाह रखा, आज से तो अल्लाह रखा नहीं, डॉन है, डॉन। हेलो। हेलो केरा, मैं डॉन बोल रहा हूँ। डॉन? कौन डॉन? इतनी जल्दी भूल गए? तुम्हारे बॉस डॉन सीनियर का बेटा। डॉन सीनियर का बेटा? जी हाँ जी हाँ। सर कहाँ से बोल रहे हैं आप? राजमहल होटल रूम नंबर 2144। कम इन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैनेजर साहब का ऑर्डर है कि आपके रूम में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के अलावा एक कलर टीवी और रखा जाए। अपने मैनेजमेंट को हमारी तरफ से शुक्रिया अदा करना। ओके सर, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आप जरूर देखिए सर। थैंक यू। टीवी ऑन कर दिया? यस सर। गोगा ये लो। थैंक यू सर। डॉन कहाँ है? ऊपर, तुम्हारे ऊपर। डॉन हमेशा सबसे ऊपर रहता है, इसलिए हम जब भी बाहर जाते हैं तो होटल का एक कमरा नहीं, ऊपर नीचे सारे कमरे बुक हो जाते हैं। थैंक गॉड आप बच गए सर। इस टीवी बम ने सारे शहर में धमाका मचा दिया है, आप लोग क्यों नहीं बना लेते इसे? हमारे सिवा और हमारे सिवाय सब लोग बनाते हैं सर। और आपके पिताजी के मरने के बाद तो हमने गैर कानूनी धंधे बिल्कुल बंद कर दिए हैं। बड़े अफसोस की बात है, बल्कि मैं आप लोगों के लिए एक नई मॉडल की टीवी लाया हूं। ताकि मार्केट में आप लोगों की कंपनी के नाम से धमाका मचा है। कम इन। ये लीजिए मिस्टर खेरा, जरा इसे ऑन तो कीजिए। टीवी ऑन करो गोगा। सर मालिक के या गाड़ी और घोड़े के पिछाड़ी कभी नहीं रहना। एक्सक्यूज मी गोगा। हाँ? अगर मेरे साथ रहना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। रहूंगा तो ना। स्विच डाउन खेरा। केरा, कुछ गिर गया है क्या? जी वो सिगरेट गिर गई थी। उसे भूल जाइए, इसे पीजिए। थैंक यू। रिलैक्स रिलैक्स। हाँ कमाल है, वहां पे भी नकली माल। नमस्कार, टीवी बॉम्ब बनाने वाला मुजरिम अल्लाह रखा, जो जेल से फरार हो गया था, एक लॉन्ड्री में मुर्दा पाया गया है। हा? सूचना समाप्त हुई। तो क्या आपने अल्लाह रखा को भी खत्म कर दिया? मैं तो आया इसीलिए हूँ कि अपने दुश्मनों को खत्म कर दूँ। पहले उन्हें जो सामने थे और बाद में उन्हें जो छुपे हुए हैं। खेरा, डॉन का बेटा खत्म हो गया ना? जी नहीं, यही बैठे हैं। गुड इवनिंग मिसेस बानो।
गुड इवनिंग डॉन साहब, वेलकम टू इंडिया। आपको शायद मालूम नहीं, मेरे और आपके पिताजी के बहुत गहरे संबंध थे। मैं वही संबंधों को और गहरा करने आया हूँ। तो फिर आज शाम को पार्टी में आप तशरीफ लाइएगा। आप ना भी बुलाती तो भी हम आते। क्या कर रही हो? छोड़ दो मुझे शादा भाई, मर जाने दो। जब अल्लाह रखा ही नहीं रहा तो मैं किसके लिए जीऊं? छोड़ दो मुझे। हरगिज नहीं, तुम्हारे शरीर पर ही नहीं आत्मा पर भी हक है हमारा। शांता भाई, मैं तुमसे मौत की भीख मांगती हूँ, कम से कम मुझे अपनी मर्जी से मरने तो दो। बिके हुए लोगों की जिंदगी और मौत खरीदने वालों के हाथों में होती है। किसने मुझे बेचा? तुम्हारी माँ ने। क्या, कौन है वो? जिसके हुक्म से इस शहर में हर रंडी धंधा करती है, मैडम बानू। कहाँ रहती है वो? मैडम, मेरी शरीफ माँ तुम्हारी महफिल में चार चांद लगाने के लिए ये बदनसीब आ चुकी है, तुम्हारी तवायफ बेटी रानी। कौन हो तुम? पहचानोगी कैसे? जब तुमने मुझे कोठे पर बेचा था ना, तब मैं इतनी सी थी। क्या बकवास कर रही हो? जानती नहीं तुम किससे बात कर रही हो? जानती हूँ, अपनी माँ से। तुम्हारी ये जुर्रत, तुम मुझे अपनी माँ कहती हो? अगर मुझे इस महफिल की इज्जत का ख्याल नहीं होता तो मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल देती। काना का पैसे लो और चलती बनो यहाँ से, समझी? हमसे कोई गुस्ताखी हो, बुरा ना उसका मानना। मुंह है छोटा, बात बड़ी है, हंस के तुम ना टालना। इरशाद इरशाद, मैं तो हूँ बाजारी लेकिन आप है इज्जत वाले। अय्याशी के अड्डे खोले, गुनाह पे पर्दे डाले। बदतमीजी पे, बदतमीजी पे हम आ गए तो तुम शरीफों का फिर क्या? तो भी
बदतमीजी पे हम आ गए तो तुम शरीफों का फिर क्या होगा। मैं 20 साल से मर मर के जी रही हूं मां। मैं तेरी मां नहीं हूं, अगर दोबारा ऐसी बात कही तो मैं तुझे जान से मार डालूंगी। वही तो मैं सोच रही हूं कि तू जैसी औरत मां कैसे हो सकती है। अरे मां तो देवी होती है, देवी खुद बिक जाती है लेकिन औलाद को बाजार में कभी नहीं बेचती। तू तू मां नहीं, मां के नाम पे तू गाली है। एक और बात सुन ले, आज के बाद तूने या शांता बाई ने मुझसे जबरदस्ती धंधा कराने की कोशिश की ना, तो याद रख ये जो शराफत का लिबास पहन रखी है ना, उसे नोच लूंगी। और फिर सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि इतने बड़े आदमी की बीवी कोई शरीफ जाती नहीं, रंडियों की कमाई खाने वाली दलाल है। ये झूठ बोल रही है। मेरी बात पे यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूं। हरामजादे, झूठ और सच तो मुझे आज मालूम हुआ है।
अब मुझे यकीन हो गया है कि सलमान ने अदालत में जो कुछ कहा था सच कहा था। वो रात, वो इज्जत लूटने की कहानी, वो शराफत का ढोंग सब कुछ इसलिए था कि तू मेरी सलमा और मेरे इकबाल को मुझसे अलग कर सके। उस औरत का खून भी तू नहीं करवाया होगा जिसने तेरे खिलाफ गवाही दी थी, लेकिन इस गवाह को मैं मरने नहीं दूंगा। कल तेरी बेटी अदालत में तेरे खिलाफ बयान देगी। चल बेटी। खेरा, उसे तो सब कुछ मालूम हो गया, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। रानी कल इस अदालत में नहीं, उस अदालत में बयान देगी। तुमसे ये किसने कहा कि मैंने अल्लाह रखा? करीम खान ने। करीम खान? क्या वो जिंदा है? अपने बेटे की मौत का बदला लिया बगैर वो कैसे मर सकता है? अगर मैंने अल्लाह रखा को नहीं मारा हो तो? तुम झूठ बोलते हो। डॉन क्यों बने? इसलिए कि टीवी बॉम्ब बनाने का इल्जाम मेरे सर पर लगाया हुआ है। असल में टीवी बॉम्ब तुम्हारे डैडी बनाते हैं। चलिए। मेरे डैडी? हाँ। और ये बात साबित करके ही मैं अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकता हूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। सलमा, बानो के बारे में तुमने जो कहा था वो सच निकला। ये रानी उसी की बेटी है। रानी? वो बस्ती वाली? हाँ माँ जी, वही बदनसीब रानी जिसे पहली बार उसकी अपनी माँ ने बेचा था और उसके बाद जिंदगी भर अपने आप को बेचती रही। आ मेरी बच्ची, मेरे सीने से लग जा। हर माँ तेरी माँ जैसी नहीं होती। माँ जी, रो मत मेरी बच्ची, रो मत। सलमा, मैं अपने लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए इसे यहां लाया हूं। आज रात के लिए इसे पनाह दे दो, कल सुबह आके मैं इसे अदालत ले जाऊंगा। आज अल्लाह रखा की चहलम की रात है, मुझे कब्रिस्तान जाना है। माँ जी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। यही अल्लाह रखा की कब्र है। जी देखो, यहाँ सामने ही दरवाजा है, आप यहाँ से जल्दी निकल जाइए। लेकिन बेटी, तुझे छोड़कर कैसे? माँ जी, ये बातों का वक्त नहीं है, खुदा के लिए यहाँ से चले जाइए।
मैं अभी आती हूँ। रानी बेटी अल्लाह रखा रानी। अल्लाह रखा नहीं, तुम तो पुलिस से बचने के लिए मुझे अल्लाह रखा से डॉन बनना पड़ा। मैं तुझे हॉस्पिटल ले चलता हूँ, चल। नहीं नहीं अल्लाह रखा, बहुत देर हो चुकी, इस शरीर पर वासना के इतने दाग हैं कि ये बहता खून भी इन्हें धो नहीं सकता। ये शरीर नापाक ही सही, लेकिन मेरी आंखें तो पाक हैं। हजारों बार रो रो के इन्हें आंसुओं से धोया है मैंने। अल्लाह रखा, ये आंखें उस माँ को देना जो तेरे सिवा किसी और को देखना नहीं चाहती। आखिरी ख्वाहिश थी किसकी आंखें अल्लाह रखा कि अम्मी को दे दी जाए। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये तो पुलिस केस है। जानता हूं,
ठीक है मिस्टर, आप इन्हें रखिए, मैं पुलिस को फोन करती हूँ। सिस्टर सिस्टर, करीम खान का ब्लड प्रेशर लो हुआ जा रहा है। करीम खान इस हॉस्पिटल में? जी हाँ, आईसीयू में। कहाँ है आईसीयू? उस तरफ। देखिए मिस्टर, सुनिए तो। पापा जान। ए मिस्टर, कहाँ जा रहे हो? मेरे पापा जान। बिना परमिशन आप मिल नहीं सकते। कौन है यहाँ? मैं डॉन हूँ डॉक्टर साहब। हाँ सब बच जाएंगे ना? अभी कुछ कह नहीं सकते। मुझे बड़ी तरह जाना ही होगा। वो जो आपसे मिलने के लिए आया था, बड़ी दरगाह गया है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डॉन! सिस्टर, इमरजेंसी केस है, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। जी सर, मैं भी बुलाती हूँ। वार्ड बॉय, स्ट्रेचर लाओ। आयु बहुत ज्यादा दवाइयां मंगवाई थी, आ गई क्या? जी आ गई साहब। ठीक है, उनको डॉन में भेजो। दाढ़ी तो नकली है। अल्लाह रखा, अल्लाह रखा जिंदा है क्या? दाउनी अल्लाह रखा है? उसको खुद अनवर साहब यहां हॉस्पिटल में जख्मी हालत में लेके आए हैं। गोगा, उसी हॉस्पिटल में वो लोग भी है ना जो टीवी बम के धमाके से जख्मी हुए? हाँ, उन्हें भड़का दो कि जिसकी वजह से वो जख्मी हुए हैं, वो टीवी बम बनाने वाला अल्लाह रखा उसी हॉस्पिटल में मौजूद है। जो काम हमें करना चाहिए था वो पब्लिक कर देगी। भाइयों, जिस अल्लाह रखा की वजह से आप लोगों की ये हालत हुई है, वो कमबख्त जिंदा है और इसी अस्पताल में है। सुना भाई लोगों, तुमने, वो अल्लाह रखा जिंदा है, उसे छोड़ना नहीं है। चलो, चलो। आपका सुहाग उजाड़ने वाला कातिल अल्लाह रखा इसी हॉस्पिटल में मौजूद है। हम उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। चलो मेरे साथ। हम अल्लाह रखा को नहीं छोड़ेंगे। कौन कौन अल्लाह रखा? सुनिए, कौन अल्लाह रखा? कौन? सुनिए भाई साहब, सुनिए सुनिए, कौन अल्लाह रखा? वही अल्लाह रखा जो टीवी बम बनाता था, जिसने हमारी ये हालत कर दी है। सुना है वो इसी अस्पताल में है, हम उसे जान से मार देंगे। अल्लाह रखा जिंदा है, मेरा अल्लाह रखा जिंदा है।
कदम भी आगे बढ़ाया था मजबूरन, मुझे गोली चलानी पड़ेगी, समझे? ले जाओ ट्रॉली। पेसमेकर तो मैंने 20 साल पहले अनवर साहब के बेटे के सीने में लगाया था। इसका मतलब यह है कि सब ठीक तो है ना डॉक्टर? मुबारक हो अनवर साहब, आज दूसरी बार आपके बेटे की जान बच गई। मेरा बेटा? अल्लाह रखा वही बच्चा है आज से 20 साल पहले जिसका ऑपरेशन करके मैंने पेस में कर बिठाया था, जिसका 706 नंबर है। वैसे इसकी मुद्दत सिर्फ 10 साल है, लेकिन इस मुबारक नंबर 706 की वजह से आज तक चलता रहा और आपके बेटे की जान बच गई। तो इसका मतलब अल्लाह रखा मेरा इकबाल है? जी हां। सलमा, सुना तुमने सलमा? खुदा का लाख लाख शुक्र है, तुम्हारे अल्लाह रखा के साथ साथ हमारा इकबाल भी हमें वापस मिल गया। एक विशेष सूचना, पता चला है कि जिसे डॉन समझकर दरगाह के बाहर जख्मी किया गया वो डॉन नहीं अल्लाह रखा है। अल्लाह रखा? और हॉस्पिटल से ये भी पता चला है कि अल्लाह रखा पुलिस कमिश्नर श्री अनवर का बेटा इकबाल है, जो बचपन में खो गया था। सूचना समाप्त हुई। अल्लाह रखा कमिश्नर अनवर का बेटा इकबाल है? मेरा बेटा नहीं। अस्पताल में मैं सबसे पहले इकबाल को देखना चाहती हूँ। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। अल्लाह रखा, आप देख सकती हैं मीशा? हाँ बेटे, रानी की दी हुई आंखों की वजह से अब मैं दोबारा देख सकती हूँ। बेटा, अल्लाह रखा मेरा बेटा, तू मेरा अल्लाह रखा ही है, हमारा खोया हुआ इकबाल है। हाँ बेटा। खेरा साहब, अनवर साहब की वजह से अल्लाह रखा बच गया है, हमारे आदमी उसे मार नहीं सके। मैं कुछ नहीं जानता, वो किसी भी तरह खत्म होना ही चाहिए। अगर कहीं उसकी जबान खुल गई तो ये राज सबको पता चल जाएगा कि टीवी बम बनाने वाले हम हैं, ड्रग सप्लाई करने वाले हम हैं, और हमने ही डॉन सीनियर को मरवाकर करीम खान को जेल भिजवाया था। गोगा, अल्लाह रखा को मरना ही चाहिए, समझे? उसे किसी भी हालत में मरना चाहिए। किल हिम एट वंस। और सुनो, उसके साथ अनवर को भी खत्म कर दो, अब हमें उसकी जरूरत नहीं है। तुम तो टीवी स्टेशन पर थी, इसने मेरी सारी बातें वीडियो पर रिकॉर्ड कर ली है। छीन लो से कैसेट। हाँ।
ही है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। रुको, डॉक्टर कपूर ने भेजा है, जाइए। नर्स, यस सर, इस पेशेंट को ब्रेन स्कैन के लिए दूसरे हॉस्पिटल ले जाना है, आपको डॉक्टर कपूर ने बुलाया। ओके सर। एक्सक्यूज मी, यस, अल्लाह रखा का रूम नंबर कौन सा है? सामने रूम नंबर 12। थैंक यू। अल्लाह रखा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ जूली। थैंक गॉड। अल्लाह रखा, तुमने ठीक ही कहा था, टीवी बम और सारे गैर कानूनी धंधों के जिम्मेदार मेरे डैडी हैं। इस कैसेट में उनके खिलाफ सारे सबूत मौजूद हैं। मैं आज ही टीवी सेंटर जाकर इस कैसेट को रिलीज करवाकर तुम्हें बेगुनाह साबित करवाऊंगी। तुम टीवी सेंटर नहीं जाओगी, और अगर ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की तो ये गोली इसकी खोपड़ी के पार कर दूंगा। अल्लाह रखा, गोगा, ड्राइवर जल्दी जाओ, जल्दी। हाँ जी। जूली के आने से सारा प्लान फेल हो गया। ड्राइवर, खेरा साहब के घर ले चलो। संभालो गाड़ी, गाड़ी नहीं रुकी साहब। ब्रेक लगाओ, ब्रेक, ब्रेक फेल हो गया साहब। जनाजा बेटे के कांधों पर जाए, इससे बढ़कर और क्या बात हो सकता है? लेकिन मैं आपका मालूम है बच्चू, तू हमारा खून ना सही, लेकिन हमारे लिए तू औलाद से भी बढ़कर है। एक बार, आखिरी बार बाबा जान कहकर पुकार। बाबा जान, बाबा जान।
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। बहुत अच्छा। इन्ना लिल्लाहि वो इन्ना इलैहि राजिऊन। टाइम हो गया, जल्दी चलो। अल्लाह रखा, तुम कंट्रोल रूम में जाकर मिस्टर देशमुख से कहकर ये कैसे जल्दी से लगवाओ। जूली जल्दी जाओ, टाइम हो गया। ये सर जल्दी से लगाइए, मिस जूली ने कहा है। नमस्कार, आज के विशेष समाचार। टीवी बम बनाकर हजारों बेगुनाहों की जान लेने वालों का पता लग चुका है। अब हम आपको उनके खिलाफ सबूत दिखाने वाले हैं। स्विच इट ऑफ। डोंट मूव, गेट बैक। लाओ कैसेट। अगर तुम इस औरत को जिंदा देखना चाहते हो तो वो कैसेट मुझे दे दो। नहीं। बेटी होकर बाप को गिरफ्तार करवाना चाहती हो? नहीं, मैं एक मुजरिम को गिरफ्तार करवाना चाहती हूँ जिसके हाथ सैकड़ों बेगुनाहों के खून से रंगे हुए हैं। बकवास मत करो, कैसेट दे दो वरना एक और बेगुनाह मारी जाएगी। जल्दी जाके कैसे चलाओ। मैं कुछ नहीं जानता, वो किसी भी तरह खत्म होना चाहिए। देख, अगर कहीं उसकी जबान खुल गई तो ये राज सबको पता चल जाएगा कि टीवी बॉम्ब बनाने वाले हम हैं, ड्रग सप्लाई करने वाले हम हैं, और हमने ही डॉन सीनियर को मरवाकर करीम खान को जेल भिजवाया था। होगा, अल्लाह रखा को मरना ही चाहिए, समझे? Magic!
अल्लाह रखा, तुम्हें भी हथकड़ी लगानी पड़ेगी। साहब ये मैंने हथकड़ी निकाली कब थी? चलो एक मिनट सर, यह हथकड़ी मेरे हाथों में लगनी चाहिए। अगर आज से 20 साल पहले मुझे यह हथकड़ी लगी होती तो आज ये मेरे बेटे के हाथ में नहीं होती। चलिए सर। आईजी साहब, एक मिनट आईजी साहब। आईजी साहब, मेरा बेटा अल्लाह रखा बेगुनाह जेल जा रहा है। अल्लाह का शुक्र है अम्मी जान, तुम्हारा बेटा गुनाहगार बन के जेल नहीं जा रहा है। बिगाड़ेगा क्या मेरा ये जालिम ज़माना। Thank you.